हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं आपकी कार्य पत्रक 41 यानी कि वर्कशीट नंबर 41। ये आपकी 21 अगस्त की वर्कशीट है, क्लास 6 to 8 की ये वर्कशीट है। तो ये जो वर्कशीट है ये हिंदी में दी गई है और अभी अभी हमने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया है, उसी पर बेस्ड ये वर्कशीट है। तो जल्दी से देख लेते हैं कि इस वर्कशीट में क्या है। साथ ही साथ आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही हम कोई वर्कशीट अपलोड करें तो आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देख लेते हैं इस वर्कशीट में क्या है। तो स्वतंत्रता दिवस के नाम पर मन में उमंग उत्साह भर जाता है, तिरंगा झंडा याद आने लगता है, मन में गीत बजने लगते हैं। इस समय आपके मन में कौन कौन सा देशभक्ति गीत आ रहा है, उनकी पहली पंक्तियां लिखिए। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि 15 अगस्त का नाम सुनते ही जितने भी देशभक्ति से भरे गाने हैं वो मन में बजने लगते हैं, तो वही गाने और उनकी पहली लाइनें, पहली पंक्तियां आपको यहाँ लिखनी है। तो जल्दी से हम वो गाने आपको दिखा देते हैं जो हमने लिखे हैं, जो हमारे दिमाग में आ जाते हैं, लेकिन आप चाहें तो जरूर आप अपनी पसंद के गाने यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं बता भी देती हूँ आपको साथ ही साथ कि ये कौन कौन से गाने हैं। तो पहला गाना जो हमने यहाँ पर लिखा है वो है आपका मेरे देश की धरती सोना उगले। आपने अगर ये गाना नहीं सुना है तो आप अपने माता पिता से जरूर पूछे, उन्होंने जरूर ही सुना होगा ये गाना। ये मनोज कुमार जी का बहुत ही फेमस, बहुत ही क्लासिक पुराना गाना है। नहीं तो दूसरा गाना जो हमारे दिमाग में आता है जैसे ही हम 15 अगस्त या देशभक्ति के बारे में सोचते हैं, वो है लता मंगेशकर जी का बहुत ही फेमस गाना, ऐ मेरे वतन के लोगों। आज भी अगर इस गीत को हम सुन लेते हैं तो हमारी आंखें भर आती हैं हमारे देश के सैनिकों को याद करके और उनको याद करके जिन जिन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवाई। वहीं तीसरा सॉन्ग जो याद आता है वो आता है वंदे मातरम। वंदे मातरम के अलग अलग वर्जन्स हैं सॉन्ग के, तो आपने जरूर कोई ना कोई वर्जन तो जरूर सुना होगा। चौथा सॉन्ग जो है वो है सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इनका गाना मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। आई एम वेरी श्योर कि आपको ये गाना जरूर आपने सुना होगा। अजय देवगन की मूवी है एक, उसमें भी ये गाना है, और भी कई मूवीज हैं जिनमें ये गाना गाया गया है। पांचवा गाना जो हमारे दिमाग में आया देशभक्ति से रिलेटेड, वो अभी जो लेटेस्ट मूवी आई थी केसरी, अक्षय कुमार की मूवी, उसका गाना है तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा। तो आप चाहे तो ये गाना भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी देशभक्ति का गीत याद आ रहा हो तो बस यहाँ पर आपको उन्हीं की पहली पंक्तियां लिखनी है। अब चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ से थोड़ा नीचे जाते हैं और देखते हैं कि आपका अगला प्रश्न कौन सा है। तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, ये एक गीत है जो आपको अपने परिवार के साथ गाना है और मोबाइल में फिर रिकॉर्ड करना है और अपनी टीचर्स को भेजना है। तो हम तो यहाँ पर ये गीत गा नहीं सकते, ये काम आपके लिए नहीं कर सकते, ये तो आपको ही करना पड़ेगा। तो इस गीत को गाइए और मोबाइल में रिकॉर्ड करके अपनी टीचर्स को भेजिए। इस गाने के जो सॉन्ग, इस गाने को गाएं कैसे, तो हम क्या करेंगे कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेज देंगे जहां पर इस गाने को गाया गया है। तो वो लिंक देखकर आप इस गाने को सीख सकते हैं, गा सकते हैं और अपने परिवार के साथ गाकर आप इसे रिकॉर्ड करके अपनी टीचर्स को भेज सकते हैं। अब चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। तो आपका अगला प्रश्न क्या कहता है, वो ये कहता है कि ऊपर दिए गए विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र हैं, उनको पहचानते हुए उनका नाम लिखिए। तो ऊपर कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के यहाँ पर आपको चित्र दिए गए हैं, आपको उनको पहचानना है और उनका नाम लिखना है। तो जल्दी से मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानी हैं और आप भी इनको गेस करके नाम लिख सकते हैं, साथ ही साथ फिर लिखने के बाद फिर आप इस वीडियो में से आंसर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले जो स्वतंत्रता सेनानी यहाँ दिखाई गई है, आप इन्हें ध्यान से देखें और आप पहचान सकते हैं ये कौन है। जी हाँ, ये है रानी लक्ष्मीबाई। अब चलते हैं दूसरे स्वतंत्रता सेनानी, इनको ध्यान से देखिए और सोचिए ये कौन से स्वतंत्रता सेनानी हैं। इन पर बेस्ड एक मूवी भी है, जरा ध्यान से सोचिए, जिनमें आमिर खान भी थे। जी हाँ, ये हैं मंगल पांडे। अब चलते हैं अगले स्वतंत्रता सेनानी पर। ये जो स्वतंत्रता सेनानी आपको यहाँ दिखाए गए हैं,
इधर अपनी मूछों को ताव देते हुए, ये कौन से स्वतंत्रता सेनानी हैं? जी हाँ, ये हैं चंद्रशेखर आजाद। अब चलते हैं आपके अगले स्वतंत्रता सेनानी पर। अगले स्वतंत्रता सेनानी आपके यहाँ पर देख लेते हैं, पहले इनको देख लेते हैं। ये जो है ग्रीन ड्रेस में, आर्मी की इन्होंने ड्रेस पहनी हुई है, ये कौन है? जी हाँ, ये हैं सुभाष चंद्र बोस। अब आपके ये जो अगले स्वतंत्रता सेनानी हैं, ये कौन है? ये जो टोपी पहने हुए और बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखते हुए, जी हाँ, ये हैं भगत सिंह। अगले स्वतंत्रता सेनानी आपके ये, इन्हें तो आप जरूर ही पहचानते होंगे, ये हैं आपके बापू महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी का अभी जन्मदिन भी आने वाला है 2 अक्टूबर को, और हमें बिल्कुल आशा है कि उस पर भी जरूर आपकी एक वर्कशीट बनेगी। तो इन्हें जरूर पहचानिए, और इनके बारे में आप अगर पढ़ सके तो जरूर पढ़िएगा। अब चलते हैं आपके अगले स्वतंत्रता सेनानी पर। तो आगे यहाँ पर आपको 3 और स्वतंत्रता सेनानी दिखाए गए हैं, जल्दी से देख लेते हैं ये कौन है। तो सबसे पहले ये लेडी कौन है? तो ये लेडी जो है, ये है सरोजनी नायडू। ये भी स्वतंत्रता के समय में बहुत ही ज्यादा एक्टिव रही थी हमारी स्वतंत्रता के लिए। अगले स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पर कौन है, ये टोपी पहने हुए, ये कौन है? ये जो स्वतंत्रता सेनानी यहाँ आपको दिखाए गए हैं, ये है मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब चलते हैं आपके अगले स्वतंत्रता सेनानी पर। ये जिन्होंने ये लाल रंग की टोपी पहनी है, लंबी मूछें हैं, इन्हें क्या आप पहचान पाए हैं? तो इन स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक, इनका नाम भी आप लिख लीजिए और इन्हें अच्छे से पहचान लीजिए। अब चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। आपके इस वर्कशीट का आखिरी प्रश्न जो है, ये गीतों के साथ में ही राइट साइड में लिखा हुआ प्रश्न है, वो है स्वतंत्रता दिवस पर आपको 2 नारे लिखने हैं। तो हमने भी स्वतंत्रता दिवस पर कई नारे यहाँ पर इकट्ठे किए हैं, उनके सैंपल इकट्ठे किए हैं, हम आपको सभी दिखा देते हैं। उनमें से आपको जो पसंद आए, उनमें से कोई भी 2 आप लिख सकते हैं। तो पहला नारा आप लिख सकते हैं, हमारा स्वतंत्रता दिवस हमारा अभिमान, जिसके लिए हमारे क्रांतिकारियों ने न्योछावर की अपनी जान। दूसरा आप लिख सकते हैं, जब जब देश पर संकट आया है, आजादी के मतवालों ने अपना लहू बहाया है। एक और स्लोगन, एक और नारा आप लिख सकते हैं, जब आकाश में हमारा तिरंगा लहराता है, हमारे रोम रोम में यह आजादी का एहसास कराता है। चाहे हो कारगिल चाहे हो कश्मीर, देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर खड़े हैं हमारे वीर। 15 अगस्त का दिन आया है, स्वतंत्रता दिवस का यह अनमोल अवसर लाया है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कुछ और भी हम दिखा देते हैं, स्लोगन्स और भी नारे आपको दिखा देते हैं। तो ये 6 नारे और हैं, तो इनमें से आप जो चाहें उनमें से 2 नारे आप लिख सकते हैं। तो आज की वर्कशीट में इतना ही है, उम्मीद करते हैं आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी डाउट है तो आप हमसे जरूर पूछिए, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।